गाइस दिस इज आयुष, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं वापस से रिव्यू देने जा रहा हूँ एक और फ़ोन की, जिसका नाम है रेडमी 9T। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हो कि रेडमी ने पिछले साल ही अपना एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था रेडमी 9। तो इसी सीरीज़ को रेडमी कंटिन्यू करते हुए रेडमी ने एक और नया फ़ोन लाया जिसका नाम है रेडमी 9T। मैं आज इस फ़ोन का रिव्यू दूंगा और इसका फुल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको मिड रेंज बजट में एक 5G फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको ऐसे ही रिव्यू वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। गाइस बात करें इसके लुक और डिज़ाइन की, तो इसके फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है पंच होल कैमरा, और बैक की तरफ देखने को मिल जाएगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। तो बात कर लेते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें आपको मिल जाता है 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जो कि आपको मिलता है 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, वो भी 1080x2340 सेल के रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। और इसमें आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। तो डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन बिल्कुल रेडमी के दूसरे फ़ोन की तरह रहने वाला है। तो और इसमें आपको पावर बटन में मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो इसमें आपको बैक साइड में मिल जाएगा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें से मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और टर्शियरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। तो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो इसमें फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो इस फ़ोन से आपकी सेल्फी कुछ खास आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें 13 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो इसमें कुछ आपको सेल्फी में कमी दिख सकती है। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज, रैम और रोम की। इसमें आपको रैम और रोम के मामले में दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से पहला वेरिएंट है 4GB रैम 64GB रोम का, और इसका दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB रोम का, वो भी आपको SD कार्ड स्लॉट के साथ मिल जाता है, जिससे आप अपने स्टोरेज को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। और ये फोन आपका 5G सपोर्ट करेगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें आपको मिल जाता है ऑक्टा कोर डायमेंसिटी 800U चिपसेट, जो कि वर्क करेगा एंड्रॉइड 11 पे, और इसमें आपको माली G57 GPU देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी की। तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको मिलेगी 33W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। बात कर लेते हैं इसके अब प्राइस की। तो प्राइस इसका लगभग आपको 15,000 से 16,000 तक ये मिड रेंज फोन आपको मिल जाएगा। और बात कर लेते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो इसका लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी लीक्स आए हैं इस फोन के बारे में, ज्यादा कुछ कन्फर्मेशन इसके बारे में नहीं है। अब ये अगले साल भी आ सकता है या इसी साल लॉन्च करेगा, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।